पानीपत में बैंक कर्मियों ने आज दूसरे दिन भी हड़ताल कर रोष जाहिर किया। SBI बैंक के बाहर निजीकरण के खिलाफ स्ट्राइक पर बैठे बैंक कर्मचारियों का कहना था कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जबरदस्ती बैंकों को प्राइवेट कर रही है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी नहीं चाहता कि बैंक प्राइवेट हो, उसके बाद भी सरकार उनके साथ जबरदस्ती कर रही है। किसान के साथ भी सरकार ने यही किया है, इसलिए किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकारी विभागों द्वारा निजीकरण के विरोध में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। सरकार की नीतियों से नाराज बैंक कर्मचारियों का कहना है कि उनकी स्ट्राइक किसी सरकार के विरोध में नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है। बैंक कर्मचारियों ने सीधे तौर पर सरकार द्वारा बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हुए कहा कि प्राइवेटाइजेशन किसी व्यवस्था को सुधारने का कोई तरीका नहीं है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार प्रिपरेशन इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए बैंकों को प्राइवेट कर रही है। उसका सीधा असर यह होगा कि आम जनता बैंकों से दूर हो जाएगी। हड़ताल पर बैठे बैंक कर्मचारी ने बताया कि पानीपत औद्योगिक नगरी है, इसलिए पानीपत में हर रोज बैंकों से करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। बताते चले कि दो दिन की सभी बैंकों की हड़ताल के दौरान पानीपत जिले से 2000 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ है। ऑल इंडिया लेवल पे हमारी 9 यूनियन के जो अम्ब्रेला यूनियन है, हमारी UFBU यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, उसके आह्वान पर हम जो हैं सभी 4 ऑफिसर्स की यूनियन और 5 क्लरिकल की यूनियन, 9 यूनियन मिल के UFBU के बैनर के नीचे 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई और ऑफिसर जो हैं हम स्ट्राइक पर हैं। और ये स्ट्राइक जो हमने की है वहाँ से की है जब पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो दो बैंकों को प्राइवेट करेंगे। तो हमें ये समझ नहीं आती है कि प्राइवेट करने से क्या मिल जाता है। जो ऑलरेडी प्राइवेट बैंक हैं, क्या वहाँ पर जनता को सेवा मिल रही है? क्या सस्ते रेट पर सेवा मिल रही है? क्या सरकारी स्कीमें वहाँ पर लागू हो रही हैं? अगर नहीं हो रही हैं, तो अगर सरकारी स्कीमें बनाई जा रही हैं और सरकारी बैंकों के थ्रू लागू की जा रही हैं, अगर सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो वो स्कीमों का क्या होगा, कहाँ से लागू होगी? तो इसका मतलब जनता से धोखा है। ये शहर में कितने हजार करोड़ का कारोबार पानीपत में दो दिन की स्ट्राइक से लगभग 2000 करोड़ का बिजनेस होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल टाउन है। यहाँ पे RTGS, नेफ्ट, क्लीयरिंग, ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं। और आज सारे बैंकों में स्ट्राइक है, ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा बैंक में। और ये हम पब्लिक के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, और इसलिए हम पब्लिक से भी अपील करते हैं कि वो भी हमारा साथ दे, क्योंकि ये इसका फ़ायदा अल्टीमेटली पब्लिक को ही होना है। हड़ताल क्या अनिश्चितकालीन तक हो सकती है? दो दिन की स्ट्राइक फिर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करोगे? देखिए, हमारा ये प्रोसेस है एक पॉलिसी के अगेंस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि प्राइवेट करेंगे। हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी मोदी जी या किसी के अगेंस्ट नहीं है हमारी प्रोटेस्ट। हमारा प्रोटेस्ट है एक पॉलिसी के अगेंस्ट, और हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी ना अपनाई जाए, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, तो जनता के लिए जो है आप सरकारी बैंकों से के थ्रू ही सारे काम होने चाहिए और होते हैं, अदरवाइज हो ही नहीं सकते। आज बैंक के बिना काम नहीं चलता होती है, तो हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है अदर देन इंडिफिनिट स्ट्राइक का। हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। अगर नहीं मानती है, इस पर कोई बात नहीं मानती, तो UFBU जो हमें हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उनके आह्वान पे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्राहक को अल्टरनेटिव चैनल दिया गया है, ATMs खुले हैं, पूरी व्यवस्था की गई है, इंटरनेट बैंकिंग है, उसके थ्रू उनका काम हो रहा है। अगर ग्राहक का काम हो रहा है तो आपकी स्ट्राइक का तो असर नहीं पड़ेगा सरकार? बिल्कुल, सरकार को दिखाना पड़ेगा ना कि हम उनके अगेंस्ट है पॉलिसी के। आगे हम सारी व्यवस्था को रोकेंगे। जब अभी तो दो दिन का हमने दिया है कि सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करे, अपने संज्ञान में ले इसको, कि जो बैंक कर्मचारी है वो नाराज है इससे, इसको वापस लिया जाए। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।